जय श्री राम भाई, आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। तो आज अपने पास जो गाड़ी रिव्यू के लिए आई हुई है वो है भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा इस गाड़ी को दो वेरिएंट्स में बेचता है, एक स्कॉर्पियो क्लासिक और एक स्कॉर्पियो एन। जो स्कॉर्पियो एन है वो बेसिकली एक नया वर्जन है स्कॉर्पियो का। तो अपने पास जो पर्टिकुलर ये मॉडल है ये Z4 मॉडल है। अगर मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो ये प्रोड्यूस करता है भाई 2200 सीसी के इंजन से 200 BHP और 350 यानी कि 370 Nm अराउंड का टॉर्क। पर्टिकुलर जो ये मॉडल है ये भाई पेट्रोल है और महिंद्रा इसको ऑफर करती है अराउंड 17 से 20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। आज हम मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से। तो वैभव भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? तो भाई, कैसे ये गाड़ी आपको पसंद आई? सबसे पहली बात भाई, इससे पहले हमने MG Aster बुक करी थी। अच्छा। पर जब ये रिलीज होने वाली थी ना तो इसके पावर स्पेक्स आए थे। तो जब हमें पता चला कि स्कॉर्पियो नई जनरेशन वाली आने वाली है, हमें ये नहीं पता था कि स्कॉर्पियो N अलग आएगी और स्कॉर्पियो क्लासिक अलग बिकेगी। बट अच्छा। इन्होंने ना ये अलग ही सेगमेंट निकाला है स्कॉर्पियो में, क्योंकि इसकी जो वी कैन से रिलायबिलिटी है स्कॉर्पियो क्लासिक से काफी ज्यादा बेहतर है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल 5-स्टार रेटिंग के साथ है, क्योंकि हम देख ही रहे थे महिंद्रा सारी गाड़ियां अपनी 5-स्टार निकाल रहा था। तो हमें भी ऐसी लगा था कि स्कॉर्पियो N आएगी तो वो 5-स्टार ही आएगी इस बार, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज महिंद्रा करेगी नहीं। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वही निकल के आई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है अगर मैं कंपेयर करूँ क्लासिक से, तो क्योंकि जो क्लासिक है अपनी वो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अभी भी नहीं सुधरी है, वो अभी भी 0-स्टार पे अटकी हुई है। अगर उसका दोबारा से क्रैश टेस्ट होता है तो वो 0 ही लेकर आएगी। तो भाई Aster से, Aster समझ लो हैचबैक है और भाई ये अपना झोटा। तो Aster और इसके अंदर ना प्राइस डिफरेंस में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। अच्छा। नहीं, वो थी पेट्रोल ही थी, बट पेट्रोल में उसमें दिक्कत ये थी, क्योंकि मैंने उसके भी रिव्यूज देखे तो लोग बता रहे थे उसका पिकअप ऐसा लगता है जैसे वैगनार चला रहे हो। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आ रहा था, उसमें टर्बो पड़ रहा था, वो मुझे 18-18.5-20 लाख का। तो मेरे को इतना वर्थ लगा नहीं कि मैं 18-20 लाख रुपए इसके ऊपर ना लगाते हुए उसके ऊपर लगा दूं। इतना वर्थ नहीं लगा था क्योंकि उसके ग्राउंड क्लियरेंस और ऊपर से वो है तो हालांकि एक सब कॉम्पैक्ट SUV आ जाती है, वो आपके नेक्सॉन क्रेटा इस वाले सेगमेंट में। हाँ, हैचबैक। हाँ, ऊपर से फिर ये यार, ये फिर है ना 7-सीटर गाड़ी है। और मैं ना अगर आपको इसकी पोजीशन दिखाऊं तो ये देखो भाई, ऐसा लगता है खाने को भाग रही है बहुत बुरी तरह। 17-18 लाख रुपए में जब आपको ये मिल रही है तो 16 लाख रुपए में मैं वो क्यों लूं? सबसे पहली बात, इसमें नेगेटिव मुझे क्या लगता है, इसकी टायर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है। कंपनी बोलती है कि ब्रिजस्टोन के टायर है, बट ब्रिजस्टोन के टायर भी देख रहे हो ये इतने ज्यादा कट रहे हैं और इतनी जल्दी घिस रहे हैं ना, ये गाड़ी मुश्किल से 7,000 किलोमीटर अभी तक चलाई होगी। बस 7,000 के चली है और अभी से ही इसके टायर इतने ज्यादा कट रहे हैं, इतने ज्यादा घिस रहे हैं कि मेरे को तो इसके टायर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर लग रही है। जबकि मैंने सुना है कि मेजर कस्टमर जो है ना कंप्लेंट कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो एन टायर खाती है। टायर खाती है, ये भी है, ये भी कंप्लेंट आ रही है सुनने के भी, टायर बहुत ही ज्यादा खा रही है। क्योंकि एक दोस्त है, उनके पास भी यही स्कॉर्पियो एन है, उनके पास अपोलो के टायर है, Z4 ही मॉडल है उनका, उनके टायर ये समझ लो 50% खत्म हो गए 15,000 चलते ही। तो अभी ये मतलब ब्रिजस्टोन के आए थे कंपनी से, उन्होंने अपोलो के लिए थे, उनको अपोलो के मिले थे कंपनी से, बट इन जनरल महिंद्रा ब्रिजस्टोन के ही दे रही है। तो इस टायर में आप कह रहे हो ये खत्म हो रहे हैं जल्दी? खत्म हो रहे हैं जल्दी। हाँ, दिक्कत है मतलब टायर में? हाँ, या तो टायर में दिक्कत है, या तो जैसा आप बोल रहे हो कि इसके अंदर हो सकता है टॉर्क ज्यादा है। हाँ। या फिर स्पेसिफिकली कुछ होगी इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी जिसकी वजह से इसके टायर जा रहे हैं आगे वाले पीछे, मतलब दोनों ही तरफ के? अच्छा, दोनों ही तरफ, दोनों तरफ के अगर आप देखोगे ना, दोनों ही तरफ के ज्यादा घिस रहे हैं इसके। हाँ, ये टायर घिसे हुए लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि अभी 7,000 चली है और अभी से इसका ये हाल है तो फिर। अच्छा भाई, एक बात और बताओ, ये तो टायर हो गए, टाइम कितना हो गया गाड़ी को? भाई जनवरी में ली थी। तो भाई जनवरी में ली थी, मतलब लगभग लगभग 10 महीने हो गए हैं गाड़ी को। तो भाई अब आते हैं दूसरे नेगेटिव पे। भाई दूसरा नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो अगर आप इसका पैनल गैपिंग देखोगे, फिट एंड फिनिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिंद्रा के पास। ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, इस साइड देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप देख रहे हो, कितना ज्यादा गैप आ रहा है। वेयरएज ये गैप, हाँ वेयरएज ये दूसरी तरफ नहीं है। हाँ। ऐसा लगता है गेट आगे से उठा हुआ है वो, बल्कि इसमें वो बहुत चीज कम है, बहुत ज्यादा मिनिमल है। हाँ यार, इस साइड गैप नहीं है। एक बार मैं आपको भी दिखाऊं तो देखो, इस साइड तो गैप नहीं है और अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो इस साइड गैप है। तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से मतलब बिल्कुल टूटी हुई है या फिर एक्सीडेंटल गाड़ी पकड़ाई है महिंद्रा ने, ऐसा लगता है।
और स्पेसिफिकली नेगेटिव मैं बताता हूँ, इस गाड़ी को मैंने लिया होगा, लेने के बाद 1-2 महीने ही हुए होंगे, 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से। रटलिंग साउंड बहुत है इस गाड़ी के अंदर, महीने के अंदर ही इसके अंदर बहुत साउंड आ रही है, कट 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 की अंदर काफी ज्यादा साउंड मेरे को फेल होती थी, ऐसा लगता था खिड़की हिल रही है, जैसे बसों की खिड़कियां बजती है ना। अब मैंने इसको इसलिए लिया था कि मैं क्लासिक लूंगा तो मेरे को वही रूरल वाली थोड़ी सी फील आएगी, मेरे को थोड़ी रगेड फील आएगी। इसको मैंने इसलिए लिया था, मेरे को थोड़ी सी लग्जरी टाइप में चाहिए थी, अर्बन और लग्जरी, हाँ मिक्स है, थोड़ा मिक्स कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि बोल्ड लुक भी है थोड़े इसके, बट मेरे को यही थी मेरी प्रेफरेंस कि मैं थोड़ी सी ऐसी गाड़ी लूँ जो मेरे को ज्यादा रगेड ना फील हो, ज्यादा बजे ना, बुलेरो जैसी ना लगे, बट वेयर एज महिंद्रा महिंद्रा है, महिंद्रा ने ये चीज दे दी। एक सेकेंड भाई, मैं इसका गेट तो इसके बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, हाँ इसके गेट बहुत हैवी है, गेट बजते हैं या इसमें मेरे को लगता है एक खिड़की बजती है। अच्छा। और मेरे को स्पीड ब्रेकर में नीचे से सस्पेंशन में से आवाज आती है, ये आप मुझे बता रहे थे जो, हाँ बता रहे थे बिल्कुल, तो इस वाले सस्पेंशन से उस साइड में। अब ये मैं भी इसको डायग्नोस नहीं कर पाया हूँ कि ये कौन से वाले सस्पेंशन में से आवाज आ रही है, बट जब ये स्पीड ब्रेकर से निकलती है, अब पता नहीं लैडर ऑन चेसी है इस वजह से आती हो, बट मेरे को फील होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो चीज मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आती क्योंकि मैं काफी इंसुलेटेड कार भी चला चुका हूँ, आइसोलेटेड सी रहती है वो, अंदर से कोई भी अंदर शोर वगैरह नहीं आती है। क्रेटा ही अपनी ले लो, अगर क्रेटा को भी ढंग से चलाओगे तो उसमें भी इतनी ज्यादा साउंड नहीं है, बल्कि उसकी भी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट इसमें थोड़ी ज्यादा साउंड आती है अंदर, खटपट की, हाँ खटपट की साउंड है इसके अंदर। वो मैंने बोला भी था उनको ठीक करने के लिए, हालांकि पहली जो सर्विस इसकी हुई थी जिसमें वो वॉश करके ही देते हैं बस, तो उसमें हालांकि उन्होंने देखा भी था, उन्होंने चेक किया, वो रिजोल्व भी हुई थी, बट 1-2 दिन के लिए रिजोल्व हुई। जब मैं वहां से निकला था अपने सर्विस सेंटर से, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं इसके अंदर, बट वही 1-2 दिन बाद दोबारा से दिक्कत आनी शुरू हो गई। फिट एंड फिनिश की इसको इसके अंदर मेरे को मेजर दिक्कत लगती है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा पैनल गैप वगैरह है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। और नेगेटिव एक और अगर मैं बताऊं तो मेरे को ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव तो नहीं लगता वो, क्योंकि गाड़ी की परफॉर्मेंस और पावर और टर्बो चार्ज भी है इसके अंदर, तो इस वजह से, बट इसका एवरेज बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम, 200 BHP तो एवरेज कम होगा ही होगा, बट जैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई जा रही है, अच्छी अच्छी गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां भी हैं वो बहुत बहुत एवरेज निकाल रही हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है। ये एवरेज कितनी दे रही है, मतलब ये सिटी में देती है भाई 6 या 7 का एवरेज देती है, उससे ज्यादा का नहीं देती है। और हाईवे पे आप लेके जाते, हाईवे पे इसने मुझे मैक्स जो दिया है ना वो 12 का एवरेज दिया है, 12 का एवरेज दिया है, बट उसको उसने तब दिया है जब मैंने इसको 80 पे क्रूज करा है, वरना अगर मैं अपनी नॉर्मल जैसे, क्योंकि 80 में तो ऐसा लगता है कि 40 पे चल रही है तो कोई फील ही नहीं आता, हाँ हाँ, तो इसको 100-110 चलाता हूँ आराम से मैं हाईवे पे, तो ये देती है अपना 10 का एवरेज, 11 का एवरेज देती है, 11 का एवरेज है, तो भाई ये तो तेल का पीपा है, हाँ बिल्कुल भाई, लाओ भरवाओ बस यही है भाई, कहीं पे भी निकलना है छोटी मोटी जगह पे तो ये बड़ा तेल ले लेती है, 1500 रुपए भी अगर आपको आराम से 50-60 किलोमीटर दिन का करना है आराम से, 1000 रुपए आपको जेब में लेके चलने पड़ेंगे भाई, बहुत ज्यादा पीती है ये। तो भाई एक और जो आप मेजर प्रॉब्लम बता रहे थे जो अंदर है इसके, अगर उसके बारे में बात करें तो, मेजर प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूं आपको, जैसे भाई गाड़ी का इंटीरियर है, तो भाई जैसे आप देखोगे इसमें गाड़ी में, हाँ आप, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इनका कंपनी से ही आया हुआ है। अच्छा। पर इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतने ज्यादा बग हैं, ये मैंने पहली सर्विस में भी बोला था कि भाई आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा बग्स हैं, बट उन्होंने उस टाइम पे भी इसको रिजॉल्व नहीं किया था। अच्छा। बोले थे अपडेट कर देंगे, कोई अपडेट नहीं आया इस चीज का, ये अपने आप बंद हो जाता है। तो Z4 में भी ये वाला इंफोटेनमेंट मिलता है, आपने एक्सेसरीज के उसमें लगवाया था? नहीं, Z4 में कंपनी फिटेड मिलता है, इसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड सब है। अच्छा, सब है इसमें? हाँ, बट वायर्ड है एप्पल कार प्ले। अच्छा। हाँ, गैजेट्स आते हैं वैसे उसको वायरलेस बनाने के लिए, बट इतना ज्यादा तामझाम मैंने करा नहीं, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इनका इंफोटेनमेंट जो है ना, इसमें लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ है। अच्छा। हाँ, इसमें बैक कैमरा की भी फिटमेंट हो जाएगी आराम से, कपलर लगा के बस जोड़ना है और बैक कैमरा कनेक्टेड है अपना, वही कंपनी फिटेड जो आता है हमारा, टॉप मॉडल वाला इंफोटेनमेंट है, अपडेट कर देंगे तो टॉप मॉडल वाला बन जाएगा, वायरलेस भी बन सकता है, बट सर्टेनली कंपनी ऐसा क्यों ही करेगी, बाकी इंजीनियर्स क्यों ही करेंगे, बट सर्टेनली अगर देखा जाए ना इसके अंदर बग यही है कि ये चलते चलते कभी कभी दिन में 2-3 बार इसकी डिस्प्ले ही बंद हो जाती है चलते चलते, और थोड़ी देर बाद गाड़ी ऑन ऑफ कर रहे हो जब हो रही है या एकदम ही गाड़ी चलाते 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 ही म्यूजिक बंद, ये बंद
इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिर थोड़ी देर बाद महिंद्रा का लोगो आ जाता है, फिर वो चालू होती है। तो मेरे ख्याल में महिंद्रा के शायद फर्स्ट लॉट में ही दिक्कत थी, उसके बाद तो ये ठीक करी है चीजें। हाँ ये ना अपडेट के बाद ठीक होगा, अब जब इसकी सेकंड सर्विस होगी तो ये ठीक हो जाएगा, इश्यू रिजॉल्व। महिंद्रा वाले बोल रहे हैं, ऐसा महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। पर अभी डाउट है, हाँ अभी डाउट है इसके अंदर कि कुछ ना कुछ है इसके कुछ अंदर कुछ दिक्कत है। हाँ और फिट एंड फिनिश में तो मेरे को लगती है इसकी दिक्कत थोड़ी सी। अच्छा स्टीरियो में भी जो है फिट एंड फिनिश? स्टीरियो में तो नहीं, देखो जैसे अंदर काफी गाड़ियां बजती हैं, ये ऐसी कोई चरपराहट की आवाज नहीं आती इसके अंदर, बट यही है कि पैनल गैप बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के अंदर। पैनल गैप भाई वो तो इंडियन कंपनीज है, वो तो मैं टाटा महिंद्रा दोनों की बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट सफारी लॉन्च हुई है ना, उसमें भी पैनल गैप है ही है, है, है तो ये है तरक्की कर रही है। पर उस हिसाब से कि भाई मेरे को तो इंफोटेनमेंट में कोई लैग नहीं लगी, बस ये जो भाई बता रहे हैं वही दिक्कत लग रही है मुझे कि यार थोड़ा सा ना अपना ये मतलब कभी आपने वीडियो बनाई है ऐसी कोई इसकी जैसे कि मतलब जैसे कभी ये हुआ हो आपने वीडियो बनाई हो महिंद्रा में दिखाने के लिए? नहीं ऐसे तो कुछ सच नहीं, क्योंकि ये जो इशू है ये नॉन इशू है। अच्छा, ये महिंद्रा को पता है, पता है हाँ कि ये बंद हो जाती है, और सर्टेनली ये वाली जो इशू आई थी रिजोल्व भी कर दी है महिंद्रा ने, फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में भी रिजोल्व हो गया अपडेट के बाद, बट मेरे को लगता है इन्होंने पहले टाइम पे जब ये सर्विसेज पे गई थी तो उन्होंने अपडेट चेक ही नहीं करा। अच्छा हाँ वरना ये तभी कर देते, तभी इनको ये इशू रिपोर्ट हो गया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर। हाँ टॉप मॉडल के अंदर भी सेम इशू है, टॉप मॉडल के अंदर भी सेम इशू है, सेम इशू है ये बंद हो जाती है, बट वो अपडेट तो... के बाद रिजॉल्व कर रहे हैं, फर्मवेयर अपडेट आएगा इसका, फर्मवेयर अपडेट के बाद ये रिजॉल्व होगी। तो महिंद्रा भाई ये तो सीरियस अपने अरुण पवार भाई हैं, उन्होंने भी भाई स्कॉर्पियो इसी कुछ रीजंस की वजह से बेच दी भाई, बाकी अभी तो इसमें संदूक नहीं है वरना वो चेक करते। हाँ लेकिन भाई ये तो है ना ये मेजर दिक्कत, और दूसरी जो भाई बता रहे थे ना इसकी कि भाई जो ये बता रहे थे जो इसकी ये टायर्स की दिक्कत है इसको भाई महिंद्रा बिल्कुल सॉल्व करो, साथ में पैनल गैप की भी। तो भाई यही था कुछ स्कॉर्पियो एन के नेगेटिव्स, बाकी भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय श्री राम। और हाँ भाई अगर अपनी गाड़ी का भी किसी को रिव्यू या फिर ड्रैग रेस करानी है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जय श्री राम।